हेलो व्यूअर्स, तो आज इस वीडियो में जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो है मीनिंग ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी सामाजिक अव्यवस्था का मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक अव्यवस्था के लक्षण क्या होते हैं। कॉजेस ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक अव्यवस्था के कारण क्या है। सिम्टम्स ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी पारिवारिक विघटन के लक्षण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक और मैं आपका ट्रेनर हूँ बीपीएस एकेडमी की तरफ से। तो जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज हम जो सामाजिक अव्यवस्था होती है या परिवार जो विघटन होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक अव्यवस्था क्या होती है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ अ ग्रुप आर ब्रोकन और डिजॉल्व। सामाजिक अव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जब समाज में रहने वाले लोगों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाए या कोई जुड़ाव चला जाए या खत्म हो जाए, उसको सामाजिक अव्यवस्था कहते हैं। इसमें जो मानवीय संबंध होते हैं, ह्यूमन रिलेशन होते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एक दूसरे के साथ झगड़ा होना, एक दूसरे की बात नहीं समझना, एक दूसरे का सम्मान नहीं करना। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ डिस्ट्रप्शन ऑफ द फंक्शनल रिलेशन अमंग पर्सन टू अ डिग्री दैट इंटरफेयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सेप्टेड टास्क ऑफ द ग्रुप। जिसको जैसा बिहेव करना होता है वो वैसा नहीं करके जो आपसी संबंध होते हैं उनको खराब करता है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। अब हम मानते हैं, देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। सबसे करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आता है conflicts of modes and the institute. देखिए, in every society there are some modes and institutions on the basis of which the life of the members proceed smoothly and in an organized manner. हर समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जिनकी वजह से जो समाज होता है वो अच्छे से काम करता है और स्मूथली उसके अंदर काम चलता है। अब जब भी नया कोई आइडिया आएगा, नया समाज में कोई परिवर्तन आएगा, तो इन इंस्टीट्यूशन के जो बेसिक होते हैं वो हिल जाते हैं और उसकी वजह से सामाजिक डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अब दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। हर ग्रुप के कुछ फंक्शंस फिक्स होते हैं, पर जब रिलेशन के दौरान या समाज के काम करने के दौरान लॉन्ग टर्म में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कुछ कार्य, कुछ फंक्शन ट्रांसफर होते हैं, इससे भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इसके बाद अगला है पर्सनल इंडिविजुअलिज्म। इन एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी द फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम द सोशल व्यू पॉइंट मैरिज, फैमिली, ऑक्यूपेशन, ETC वर बेस्ड ऑन सम डेफिनेट पैटर्न इन एंशिएंट इंडिया, बट इन मॉडर्न एज द इंडिविजुअलिज्म वेरी पर्सन थिंक्स अपॉन ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द लाइफ फ्रॉम हिज ओन इंडिविजुअल पॉइंट। देखिए, पहले क्या होता था, समाज के कुछ नियम होते हैं उसके हिसाब से समाज में कार्य किए जाते हैं, पर हर व्यक्ति का जो व्यू पॉइंट होता है वो अलग हो जाता है, डिफरेंट हो सकता है। उस वजह से वो अपने नजरिए से जब देखने जाता है तो उसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। फिर आता है चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर। ना जो सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, जो सामाजिक चीज़ों के अंदर चेंज आ रहा है, जैसे कि अभी पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। अभी पहले पुराने ज़माने में फीमेल्स काम नहीं करती थी, अब फीमेल्स भी काम करती हैं, घर की औरतें हैं वो काम पा जाती हैं, काम करती हैं, अर्न करती हैं। तो अभी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, ये बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जिसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है कॉजेज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आएगा सोशल चेंजेस, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो सामाजिक चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जो पहले की प्रथाएं थी वो बदल रही हैं। फिर आ रहा है कल्चरल लैग। कल्चरल लैग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज। ऑल द वेरियस एलिमेंट ऑफ सोसाइटी डू नॉट अंडरगो इक्वल डिग्री ऑफ चेंज एंड नोटिफिकेशन। फिजिकल एलिमेंट रेदर देन कन्वीनियंटली बट नॉट मेटलिस्टिक एलिमेंट चेंज द स्लो रेट एंड चेंज द लैग्स बिहाइंड द फिजिकल एलिमेंट।
जैसे जो कल्चर का चेंज आ रहा है, वो सब हर समाज का हर वर्ग हर एक तरह से उसको नहीं लेता है, कहीं पे धीरे चल रहा है, कहीं पे तेज चल रहा है, इस वजह से भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं। फिर आता है वॉर, अगर युद्ध होगा तो भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सामाजिक अव्यवस्था है उसका कारण बनेगी और चीज़ें बदलेगी समाज के अंदर। फिर क्राइसिस, क्राइसिस मतलब ऐसी विकट स्थिति, क्राइसिस इज एन ऑकरेंस विच इंटरप्ट स्मूथली रनिंग हैबिट्स बाय फोकसिंग अटेंशन अपॉन द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। सब कुछ आराम से चल रहा होता है, सब कुछ समाज में एक सिस्टम के तहत चल रहा होता है, और अचानक से कोई क्राइसिस आता है, जैसे कोविड आया था, तो उसके दौरान भी सामाजिक अव्यवस्थाएं फैल जाती है, सबका काम बदल जाता है, काम बंद हो जाता है, जैसा कि वॉर के दौरान होता है। फिर आता है चेंज इन सोशल वैल्यूज। अब जो सोशल वैल्यूज है, जो हमारे सोशल मान्यताएं हैं, हमारे एथिक्स हैं, वो भी बदल रहे हैं। अगर वो बदलेंगे तो भी सामाजिक का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। विदाउट सोशल वैल्यूज ना तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ना ही सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, नहीं होगा। सोशल वैल्यूज होना बहुत जरूरी है, समाज को पता होना चाहिए हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और किस दिशा में हमें तरक्की करनी है। देन चेंज इन सोशल एटीट्यूड। अब चेंजेस इन सोशल एटीट्यूड ऑकर्स कॉन्कर विद चेंजेस इन सोशल वैल्यूज। इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस बाय दिस चेंज डिजायर्ड अ पर्टिकुलर चेंज इन सोसाइटी, वेयर एज पीपल बी सेट विद ओल्ड टेंडेंसी ट्रेडिशन ऑल्सो एंड मोर ऑब्जेक्ट इन दिस चेंज। जो सोशल व्यवहार एटीट्यूड होता है वो भी बदल रहा है। अब कुछ लोगों की वैल्यूज बदल रही हैं, कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनको चाहत होती है कि सोसाइटी में कुछ परिवर्तन किया जाए, बड़ा परिवर्तन किया जाए, जो पहले चल रहा है उसको हटा के नया कुछ लाया जाए। और उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो चल रहा है वो ठीक है, और जो कुछ भी नया करने से पहले हमें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फैमिली के अंदर जो विघटन होता है, पारिवारिक जो विघटन होता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो है लैक ऑफ फैमिली यूनिटी, यानी कि परिवार में एकता नहीं है। नाउ डेज एग्रीमेंट इन ऑब्जेक्टिव एम्बिशन थॉट्स आइडिया इन द फैमिली इज एट एंड और टेंडिंग इन दैट डायरेक्शन। जो परिवार में पहले एक सहमति होती थी, एक एक जैसे थॉट होते थे, एक तरह से एक जैसे ख्याल के लोग रहते थे, अब उसका अंत हो रहा है, या वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ आगे जाके इसका अंत हो जाएगा। अब जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, बॉयज होते हैं, गर्ल, उनके खुद के आइडियाज हैं, उनके खुद के प्लान्स हैं, उनके खुद के कुछ प्रोग्राम हैं, उनकी खुद की कुछ सोच है, वो खुद के हिसाब से जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। डिक्रीज इन फैमिली कंट्रोल। अब फैमिली के अंदर कंट्रोल के अंदर बहुत डिक्रीज हो गया। पहले एक घर का मुखिया हुआ करता था, जिसके घर जिसके हाथ में पूरे परिवार का कंट्रोल होता था, अब वो डिक्रीज हो गया है। अब कंट्रोल को डिवाइड कर दिया गया है, सबके हाथ में कंट्रोल है, हर व्यक्ति अपने खुद की लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहा है। स्ट्रिप विद इन द फैमिली इज प्रेजेंटली ऑन द इंक्रीज विदाउट द एब्सेंस ऑफ फैमिली कंट्रोल एज वेल एज एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर्स। स्ट्रिप मतलब खिंचाव, तनाव। अब क्योंकि मुखिया नहीं है तो इसकी वजह से जो फैमिली के बीच में जो जुड़ाव होता है वो टूट रहा है, परिवार बट रहे हैं, एक खिंचाव हो रहा है, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं है और यूनिटी का सेंस नहीं है कि हम सब एक हैं, वो कोई सेंस है, लोगों के अंदर आ नहीं रहा है, हर कोई खुद के बारे में सोच रहा है। लैक्सिटी ऑफ मेटेरियल बॉन्ड्स, द टाई ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, वीकनिंग ऑफ द मैरिटल टाइज रिजल्ट इन द वीकनिंग ऑफ द फैमिली टाइज। देखिए पहले क्या होता था कि जो मैरिज टाइज होते थे, जो शादियां होती थी, वो परिवारों का संबंध होता था, इसलिए शादियां टूटती नहीं थी क्योंकि उसके साथ परिवार भी जुड़े हुए होते थे। पर जैसे जैसे परिवार से आदमी का जुड़ाव अलग हुआ है, वो खुद की बेस पे डिसीजन लेता है, खुद के हिसाब से शादियां करता है, तो उस वजह से शादियों की भी जो शादियां भी कमजोर हो रही हैं, वो भी टूट रही हैं। और शादियों का टूटना एक परिवार के टूटने के लिए अंदर बहुत बड़ा कारण बन सकता है। फिर इसके अंदर आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों और माता पिता के बीच में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत मतभेद हैं। माता पिता को ऐसा लगता है बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चों को ऐसा लगता है माता पिता हमारी बात नहीं सुनते। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर ये कॉन्फ्लिक्ट भी एक परिवार विघटन के बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ प्रोटेक्शन, एज अ रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, साइकोलॉजिकली सिक्योरिटी इज बीइंग कंटिन्यूअली डिमिनिश्ड ड्यू टू द म्यूचुअल ट्रस्ट। अब जैसे अगर हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बनेगी, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में नहीं बनेगी, तो इसके ऊपर इसके अंदर क्या होता है कि आपस में विश्वास खत्म हो जाता है, और जब आपस में विश्वास खत्म हो जाता है तो आपको एक जो सुरक्षा का भाव होता है आपके अंदर, वो भी खत्म हो जाता है, और इसी वजह से पारिवारिक विघटन होने लगते हैं। तो जब ये सब चीजें आपके घर में हो रही होती है, तो आप कह सकते हो कि आपके घर में आप परिवार विघटन की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।
और हमने नोटिस किया है कि अक्सर हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए ये आपके लिए तो फ्री है, पर अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें हमें बहुत हौसला मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू।